दलितों का गांव जल नल योजना से वंचित, ग्रामीणों की शिकायत पर जन प्रतिनिधियों ने ली सुधी। गेड़ी जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हरला पंचायत के दलित गांव रनियाटार नयेटार हरला में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना से आज भी दर्जनों परिवार वंचित हो रहे हैं। इसकी शिकायत गृह स्वामियों ने संवेदक से कहा, लेकिन पहल नहीं की गई। अंततः ग्रामीणों की शिकायत पर जिला परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि मनीष कुमार वर्मा मंगलवार को गांव पहुंचकर भुक्तभोगी परिजनों का जायजा लेते हुए विभाग को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस गांव में जितने भी घर जल नल योजना से वंचित हैं, अविलंब लगाने का प्रयास किया जाए। हालांकि जनप्रतिनिधि गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने कई समस्याओं को रखते हुए बिजली पानी शिक्षा से संबंधित मामले को रखा। वहीं इस मौके पर जल नल योजना से वंचित ग्रामीणों ने आश्वस्त कर कहा कि सभी घरों में जल नल योजना पहुंच जाएगी। इस मौके पर पंचायत समिति प्रतिनिधि रेणुलाल चौरसिया, मुखिया सुधीर रजवार एवं ग्रामीण सहित दर्जनों लोग मौजूद। धन्यवाद। आज हम ग्राम रनियाटांड में हैं। हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्षा की प्रतिनिधि मनीष कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं और स्थानीय मुखिया भी उपस्थित हैं। यहाँ इन्होंने के द्वारा निरीक्षण किया गया जल नल योजना का, जिसमें हरला पंचायत के नयेटांड गांव का 30 घर, रनियाटांड में 20 घर और हरला का 20 घर, मतलब तीन गाँव में छुटा हुआ है, तीन जगह का। उसको आश्वासन दिया गया यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाए। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है कि हर घर में जल नल दिया जाए, इसलिए एक घर भी छूटने का काज नहीं होगा। जल्द से जल्द इसका तीन गांव में जो छूटा हुआ है उसका टेंडर कर और काम शुरू किया जाए। जी धन्यवाद। मैं आए हुए अतिथि को स्वागत करते हूँ कि हमारी पंचायत कम से कम इनका हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारी पंचायत ही पहुँचे, इसलिए मैं अपने पंचायत की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ जल नल योजना के जो रनियाटांड का एक मामला नहीं, रनियाटांड हरला लालपुर नयेटांड मतलब लगभग चार पांच गांव में ये मामला, और हम लोग बात किए जय साहब से, अस्तुति साहब से भी बात किए थे और आश्वासन दिए हैं कि दुर्गा पूजा के बाद जहाँ जहाँ छूटा हुआ है वहाँ फिर रीटेंडर करके और वहाँ जो घर में पानी छूट गया है उसको पहुँचाने का काम करेंगे। और हमारा प्रयास है कि एक भी घर नहीं छूटे और हम जनता के साथ हैं। जनता जो चाहेगा वो हम करेंगे, हम किसी ऑफिसर के साथ नहीं, ठेकेदार के साथ नहीं, क्योंकि जनता की समस्या मेरा समस्या है और जनता ही दुख में रहेगा तो फिर हमको सबसे ज़्यादा कष्ट होगा। इसलिए दुर्गा पूजा के बाद अगर जल नल के द्वारा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 15वीं बीच से जन मीनार एगो दूगो जेगो जहाँ जहाँ जरूरत है जन मीनार देकर घर घर में पानी पहुँचाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। जी आज यहाँ के बारे में बताएंगे, क्या कुछ समस्या निकला यहाँ से? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार। आज हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के हरला पंचायत अंतर्गत रनियाटांड ग्राम में आए हैं। यहाँ के ग्रामीणों की समस्या चल के आई थी कि नल जल योजना का जो काम चल रहा है उससे कई एक घर अपेक्षित हैं, वहाँ पे कनेक्शन का काम नहीं किया गया है। यहाँ पे आने के बाद मालूम चला कि जो सर्वे पूर्व में की गई थी नल जल योजना को लेकर, उस सर्वे सुखद तरीके से बहुत अच्छे ढंग से ना होने की वजह से इस तरह की गड़बड़ियाँ यहाँ पे हुई हैं। एग्जीक्यूटिव सर से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन घरों का कनेक्शन छूट गया है उसके लिए पुनः एस्टीमेट बनवा के टेंडर करवा के उन सभी घरों में योजना का लाभ दिया जाएगा। जी क्या क्या समस्या लगी थी वो गांव से निकला सर यहाँ पर फिलहाल? इसके अलावा नल जल, मुख्य रूप से तो नल जल की समस्या लोगों के द्वारा बताई गई है। उसके अलावा कुछ पेंशन और आवास की भी समस्या चल के आई है। उन सब पे भी पहल करके जिन लोगों का पेंशन छूटा हुआ है, यहाँ के उप मुखिया और वार्ड सदस्य जो हैं उनसे मैंने एक सूचीबद्ध तरीके से सूची उपलब्ध कराने का बात कही है। जो भी सूची में नाम आएगा उन सबों को पेंशन का लाभ चालू करवाया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग के साथ आज यहाँ पे इस दौरे में इस क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य रेणु चौरसिया जी भी उपस्थित हैं
उन्होंने भी अपने स्तर से पंचायत में किस प्रकार के काम चल रहे हैं, किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, इन सभी की जानकारी दी। हमारे बीच हरला पंचायत के मुखिया जी भी उपस्थित हुए हैं, उन्होंने भी सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और मुखिया जी बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पंचायत को सभी पंचायतवासियों को सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। जी धन्यवाद। समस्या तो जो कि आज जिला अध्यक्ष और यहाँ जनप्रतिनिधियों को बुलाना पड़ा, जिला अध्यक्ष और बुलाना पड़ा, मतलब जल नल योजना की समस्या था मेरे गाँव में रनिया टाउन में। भैया आए सर आए और समस्या का कुछ समाधान करके गए, कुछ आवाज़ उठा के गए, उन लोगों को समझा के गए कि मतलब जो भी छूटा हुआ है उसको दिया जाएगा तत्काल में, अभी 4 ठो हम लोग का कनेक्शन दिया जाएगा 4-5 ठो, ताकि अपना जो इधर छूटा हुआ है अपना पानी पीने के लिए सुविधा मिले। जी और कुछ आप लोगों को समस्या है क्या? अगर उस तरह से समस्या रहेगा तो संपर्क डायरेक्ट करेंगे सर, ठीक है। जी धन्यवाद। जी क्या समस्या था जो आज जी प्रदेश को बुलाना पड़ा? पानी नहीं है, तो अभी क्या निर्णय मिला? क्या निर्णय मिला अभी तक? निर्णय मिला ना, पानी नहीं है, पानी बिना मर रहे सब, पानी कहीं कहीं आया। तो अभी भैया आए थे, क्या कुछ बताया आप लोगों को? भैया बोला लेट होगा, दुर्गा पूजा के बाद होगा। अभी फिलहाल तत्कालीन के लिए क्या सुविधा दिया गया है? यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के तहत जो जल नल योजना का जो कार्यक्रम हो रहा था उसके तहत मेरा हरला पंचायत का रहने नियंत्रण में 20 से 25 घर छूट गए हैं, जिसके तहत हमारे उप मुखिया रंजा समेती और जिला के जो प्रतिनिधि हैं वो आए और यहाँ पर 3-4 वो मतलब तत्काल में भी नल देने का उपलब्ध कराएं और आश्वासन दिए हैं कि जितने भी लोग यहाँ का अगर कोई समस्या है उसका ध्यान देगा। किन किन बिंदुओं पर अच्छा अच्छा हुआ यहाँ पर? अमित करवास पर हुआ और बिजली पर भी हुई क्या? बिजली पर भी हुई, बिजली विभाग पर हुआ और यहाँ का जो वृद्धा पेंशन है उस पर भी विचार हुआ, उस पर मतलब जिसका छूट गया है उस पर बोला गया कि उसका भी हो जाएगा। जी और जल नल योजना के विभागीय अधिकारी को क्या संदेश देना चाहेंगे फिलहाल? उनको समझना चाहिए कि जहाँ पर छूटा हुआ है उसे तत्काल देना चाहिए, क्योंकि पानी का समस्या भी जरा उसके नीचे हो गया और इससे काफ़ी लोगों को परेशानी देना पड़ रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उसको उपलब्ध कराना चाहिए। जी धन्यवाद।